इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित की जा रही भांग की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस भांग के कारखाने पर छापामार कार्यवाही करते हुए यहां से करीब 1.5 क्विंटल भांग और उपयोग में ली जा रही मशीन बरामद की है। इंदौर में नशे के आदि लोगों के लिए भांग का अवैध उत्पादन आम बात है। ताजा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां अवैध रूप से संचालित की जा रही एक भांग की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस भांग के कारखाने पर छापामार कार्यवाही करते हुए यहां से करीब 1.5 क्विंटल भांग और उपयोग में ली जा रही मशीन बरामद की है। थाना मल्हारगंज में एक भांग की फैक्ट्री का संचालन हुआ था, जिसकी कार्रवाई की गई है थाना प्रभारी जो कि क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और थाना मल्हारगंज की टीम के द्वारा एक अवैध रूप से संचालित भांग की फैक्ट्री पर दबिश दी जाकर उसका पर्दाफाश किया है। उसमें लगभग 110 किलो सूखी भांग मिली है और 20 किलो गीली भांग, कुल मिलाकर लगभग 1.25 क्विंटल के करीब भांग मिली है, 1.25 से 1.5 क्विंटल के करीब। और इसमें जो कि कुछ ऐसे मशीनें भी मिली हैं, जिसमें जो भांग बनाने की मशीन भी मिली है और उसको बारीक करने की, और इसमें ये तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कि रिंकू, सुनील और आकाश, इनमें दो अपराधियों के खिलाफ लगभग एक के खिलाफ 14 अपराध और एक के खिलाफ 6 अपराध है, मतलब लगभग इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल थाना मल्हारगंज में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और FIR रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। दरअसल पुलिस ने जिन तीन संचालकों को गिरफ्त में लिया है, उनमें से एक पर 14 अपराध दर्ज है। पुलिस पकड़ में आए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। We'll be right back.